छठवें चरण के चुनाव से ठीक पहले बयानबाजी से सियासत फिर से गरमा गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से एक बार बहस का मुद्दा तैयार कर दिया है। एसपी के इंदौर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने गोरे कालों का जिक्र किया। सिद्धू ने यहां प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए काले अंग्रेज कहा। ये कांग्रेस देश को आजादी देने वाली पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। इन चोरों से, इन चोर चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। सिद्धू के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्र ने कहा है कि मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, वो गरीबों के रखवाले हैं। इसके साथ ही पात्र ने कहा कि आने वाली 23 मई को कांग्रेस का ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। हमने सिद्धू जी के कुछ बयान को सुना है, बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्धू जी के लिए इतना कहूंगा कि रोज अनर्गल बोलने वाले सिद्धू जी, जब श्याम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कमेंट आया उस समय चुप रहे। उस समय उन्होंने श्याम पित्रोदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। सिखों के हक में और 84 के नरसंहार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं निकला। बदजुबानी समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए सिद्धू जी ने किया है, उस शब्द का प्रयोग करने में मुझे लज्जा आती है। सिद्धू ने नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है कि हम सब काले अंग्रेज हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी काले अंग्रेज हैं और सोनिया जी हिंदुस्तानी हैं, ये कहां का न्याय है? मोदी जी काले अंग्रेज हैं, मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, गरीबों के रखवाले हैं। और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, तेरे 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 चाहने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। मोदी मोदी को हिंदुस्तान प्यार करता है और हिंदुस्तान को मोदी प्यार करता है, इसलिए आप मोदी जी को काला अंग्रेज कह के, यह अपमान केवल मोदी जी का नहीं है, यह अपमान समस्त हिंदुस्तान का है। और सिद्धू जी एक बात कान खोल के आज सुन लीजिए, आपने मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है। मैं आपसे कहूंगा, अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर सिद्धू जी, और कांग्रेस पार्टी अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर, 23 तारीख को ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। नतीजे का इंतजार कर, 23 तारीख को ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो सिद्धू जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी नई दुल्हन की तरह है, रोटी बेलने बैठते हैं तो खाली चूड़ी बजाते हैं, रोटी बनाते नहीं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक ही वाक्य में सिद्धू जी ने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाया है कि रेसिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी और सेक्सिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी। महिलाएं केवल रोटी बनाने के लिए होती है, नई दुल्हन केवल रोटी बनाने के लिए होती है और वो चूड़ी खनकाने के लिए होती है। क्यों? महिलाएं जाके काम नहीं कर सकती, महिलाएं जाके नौकरी नहीं करती हैं क्या? सिद्धू जी और राहुल जी, ये न्यू इंडिया है, ये नव भारत है, इसमें चूड़ी खनका के महिलाएं केवल रोटी नहीं बनाती है, महिलाएं हिंदुस्तान को गढ़ती है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है। इसलिए ये जो छोटी सोच है आपकी कि चूड़ी बना के महिलाएं रोटी सेकती हैं, इससे आपको निजात पाना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बयानबाजी ने एक नया रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर और सोनभद्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सैम पित्रोदा के बयान हुआ तो हुआ पर निशाना साधा और मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरी जाति ही गरीब है। कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने तीन शब्दों के आधार पर देश चलाया है। आपको मालूम है तीन कौन शब्द हैं? आपको मालूम है तीन शब्द कौन है? उनका तो ये मंत्र ही है, हुआ तो हुआ,
कोई परवाह नहीं, अहंकार हुआ तो हुआ। मुझसे जो लोग मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगता है उन्हें मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी ही, ये मेरी जाति है। वहीं गोरखपुर में रैली को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने यहां पीएम को चौकीदार तो सीएम योगी को ठोकीदार बताया। अखिलेश ने कहा कि देश से चौकीदार और ठोकीदार को हटाना है। चुनावी बयानबाजी के बीच छठवें चरण तक के चुनाव तक पहुंच चुके हैं। इन चुनावों के हर चरण में बदलते मुद्दों ने वोटरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब सातवें चरण का चुनाव बचा हुआ है। सातवें चरण के चुनाव से पहले भी देश की जनता के बीच नया मुद्दा होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसी भद्दी बयानबाजी से राजनीतिक पार्टियों का बेड़ा पार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।